नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह। दोस्तों आज 2 जनवरी 2022 के दिन जानते हैं रविवार को आज का सब्जी मंडी में जैसे भाई के पास 1, 2, 3 और ये 4 शिमला मिर्च, सन्नी भाई के पास 4 गाड़ियां हैं शिमला मिर्च की, हरी मिर्च की, पापड़ी मिर्च, तिखी मिर्च, आज का क्या कुछ बाजार चला। दोस्तों आज रविवार के दिन वैसे फ्रूट मंडी, आलू मंडी, प्याज मंडी, लहसुन मंडी ये बंद रहती है और सब्जी में भी सारे आड़ती नहीं आते, कुछ आ जाते हैं और कुछ जो है छुट्टी कर लेते हैं, माल कम आता है, ग्राहक भी आज के दिन कम ही आते हैं। जानते हैं आज का मंडी में क्या कुछ रेट खुला, क्योंकि एक गाड़ी ये भी फुल खड़ी लोड और ये अहमदाबाद वाली भी फुल खड़ी और वो शिवपुरी वाली भी, बरेली वाली गाड़ी बिक ली है। जानते हैं आज का इसका क्या कुछ बाजार चला भाई के पास। नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी आज क्या बात है, अब तक बैठे 8 बजे और गाड़ियां भी लोड खड़ी है। आज थोड़ा धुंध की वजह से ना थोड़ा सा मोहल्ला ठंडा है आज। अच्छा जी, आज देखो बरेली वाले जो माल बिके हैं वो बिके हैं अपने 30 रुपए किलो से लेके 35 रुपए किलो। ये बरेली वाली गाड़ी बिकली है कट्टों में? बरेली वाली गाड़ी बिकली है। अच्छा जी, ये चलिए 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक। अच्छा जी, और वो परले वाली कहाँ की है? सबसे परली जो गाड़ी उसके उसके आगे वाली गाड़ी है अहमदाबाद की, सबसे परली वाली गाड़ी है, शिवपुरी वाले माल है। अच्छा, वो तो अभी तक ऐसे ही रखे जी, फिर ऐसी कैसी अभी खड़े हुए हैं गाड़ी, वो लेट आई है गाड़ी, सुबह 4 बजे के आसपास आई है। अच्छा, उसका क्या बाजार चला जी? जो शिवपुरी वाले माल है बचा तो मैं अभी इस टाइम 48 रुपए रहा हूँ, लेकिन बाजार 48 रुपए तो मुश्किल है खुलेगा। जहाँ तक मेरा बाजार अंदाजा है बाजार खुलेगा 45 रुपए से लेके 48 रुपए के बीच में। अच्छा जी, ये पीछे देखो जबलपुर वाले माल खड़े हुए, ये अब उस पर देखो बोर्ड लगा हुआ है जबलपुर मार्केट में 44 रुपए किलो, 44 का लगा दिया जी बोर्ड इसमें। पर गाड़ी ये तो फुल खड़ी जी, अभी फुल खड़ी है, अभी उठाव नहीं है, क्योंकि अच्छा ग्राहक जो है ना अभी बाजार देखो देख के डर रहा है। अच्छा, तो पंजाब का ना थोड़ा सा मौसम नहीं खुला हुआ है। अच्छा जी, तो इसलिए बिल्कुल बारह की बिल्कुल आवा गई। आप देखो ना रात को ठंड कितनी हो रही है, इतनी ठंड के चक्कर में रात को ग्राहक नहीं निकल के आ पा रहा है इस टाइम पे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ग्राहक आपको चहल पहल दिखाई दे रही है, अभी आप 2 घंटे बाद पहले आते हैं आप देखते हैं कि मंडी में चहल पहल थी, कुछ नहीं था बिल्कुल। अच्छा, शांत बैठे थे, कोई हाथ ताप रहा था बैठ के और कुछ नहीं था। अच्छा जी, तो इसका क्या चला जी है शिवपुरी? बाकी है अब बरेली, आपसे शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ जी, बरेली वाली शिमला मिर्ची भी है, वो बिकी है 30 रुपए किलो से लेके 35 रुपए किलो तक। अच्छा जी, बरेली वाली हरी मिर्ची आई थी 28-30 रुपए किलो, 78 नंबर जी, 78 नंबर। बरेली वाली पापड़ी आई थी वो 25-26 रुपए की है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ आगरा वाले माल, जो डब्बे वाले जो माल पड़े हैं। अच्छा जी, इनकी पोजीशन है 40 रुपए किलो से लेके 44 रुपए किलो तक आगरा वाले मालों की। अच्छा जी, आगरा वालों की जो अचारी आई हुई है, इनकी अचारी जो आज बिक रही है 28-30 रुपए किलो। अच्छा जी, और इनकी जो नीलम 74 आई है वो 24-25 की पोजीशन है, और इनकी एक पतली आती है वो 25 रुपए की पोजीशन है। अच्छा जी, ये तो होगी आगरा वाली बात। अब ये आ गए जबलपुर वाले माल, ये वाला जी जबलपुर वालों का बट्टा जो खोल रखा है, इनका 44 रुपए का बट्टा डाल रखा है। अच्छा जी, लेकिन अभी उठाव नहीं आ रहा है। अच्छा जी, देखते हैं ऊपर नीचे करके इसको निपटाना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी लोडर निकल के आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं ऊपर नीचे करके जो करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद वो गाड़ी लगी है आगे अहमदाबाद। अहमदाबाद, ये तो बहुत बड़े बड़े डब्बे हैं जी। अहमदाबाद ने आज दिल्ली का मुहूर्त कर दिया आज। अच्छा जी, पहले दिन थी अहमदाबाद, दिल्ली के अंदर 40 रुपए किलो बिकी अहमदाबाद, आप ही के पास आई है। हाँ, और ये कल अहमदाबाद जो आई थी मेरे पास, कल 150 डब्बा आया था ट्रेन से, वो बिकी थी 48-50 रुपए किलो अहमदाबाद। अच्छा जी, उसके आगे आ गई शिवपुरी वाले माल। अच्छा जी, परली गाड़ी से शिवपुरी, आज 1 महीने बाद दिल्ली का मुहूर्त कराया, और दिल्ली का मुहूर्त करते ही दिल्ली डाउन कर दी है। अच्छा जी, अगर शिवपुरी मंडी के अंदर आती तो 52-55 तक की रिपोर्ट थी कल शिवपुरी के बिकने की। अच्छा जी, लेकिन आज जो है बाजार का थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अच्छा जी, अभी उनका शिवपुरी का 48 रुपए का बाजार बोल रहा हूँ, लेकिन 48 रुपए मुश्किल है, ये 46-47 जी। टाइम देखो ना, 8:15 बज गए, 8:15 बजे तक गाड़ियां लोड खड़ी, तो गड़बड़ है माहौल आज, इसलिए सारी शिमला मिर्ची का माहौल ढीला है। अच्छा जी, थोड़ा बहुत गाजर का माहौल सही है। सर जी, कुछ कमेंट आ गया, जो 78 नंबर तिखी मिर्ची है बरेली वाली, मुझे कहते हैं मुझे उसके 20 का नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ। हाँ। तो भाई हम कंपनी का नाम कहाँ से बताएंगे, हमें क्या? चलो मैं पूछ के बताऊंगा किसी किसान से कहाँ की है ये 78 नंबर। ये किसान खड़े होंगे वही आपको बताएंगे, वो प्रधान बैठा होगा, प्रधान बताएगा आपको, प्रधान जी आएंगे। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, जो 78 नंबर कहाँ की होती है। अच्छी, हाँ काफी तिखी मिर्ची है जी। हाँ, तिखी है। और आज खीरा नहीं आजी? खीरा आज मेरे पास था नहीं, लेकिन खीरे की पोजीशन 20 रुपए किलो की है बेंगलोर की। अच्छा जी, बेटा वाला खीरा भी 20-22 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी, और इसके अलावा गाजर की जो पोजीशन है आज 14 रुपए से लेके 16 रुपए की है। अच्छा, क्वालिटी मीडियम क्वालिटी जो हल्के माल है 12-14 बिक रहे गाजर। अच्छा, फूल गोभी आई थी अपने पास मेरठ वाली, वो फूल गोभी जो आज बिकी है 26-27 रुपए किलो बिकी है फूल गोभी। अच्छा जी, अच्छा मेरठ वाली जी, मेरठ वाली ये है। अच्छा, हाइब्रिड थी जी वो? हाइब्रिड थी वो। अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद भाई साहब जी। ओके प्रधान जी, आगे प्रधान। हाँ जी प्रधान जी, जो नीलम ये अपना 78 नंबर मिर्ची है तिखी मिर्ची, ये कौन सी कंपनी की है?
जी 78 कंपनी सोल्जर है। सोल्जर तो अलग चली गई। हाँ। जो बरेली वाली तिखी मिर्ची कंपनी, क्या नाम है इसका कंपनी का? 78 तो नाम है इसका, 78 तो नंबर है, ये कंपनी मार्का पतली वाली। हाँ पतली वाली तिखी मिर्ची कौन सी कंपनी की है? सोल्जर नहीं, आपको नहीं पता। सोल्जर तो दूसरी है दोस्तों, इनको नहीं पता। मैं आपको पूछ के सर्च करके बता दूंगा, पैकेट ही दिखा दूंगा बस आपको, पैकेट की फोटो दिखा दूंगा कल की वीडियो में जरूर। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। बात करते हैं अब आर के एंड कंपनी पे, जान लेते हैं इनके पास जो अपना ये मटर आई, मटर का क्या बाजार चला, और अपना ये फ्रांस बीन है आर के एंड कंपनी पे, और इनके पास अपना ये चप्पन टिंडा आता है, जो ये चप्पन टिंडा और गाजर जान लेंगे भाई साहब से। और पहले जान लेते हैं हम मटर का आज का क्या कुछ बाजार चला। आज राहुल भाई तो है नहीं, ये भाई साहब हैं जो मटर बेचते हैं, रात को बोली करते हैं। आज मटर गाड़ी, इनके मटर की गाड़ियाँ बिकली, बोली तो चल रही। जान लेते हैं भाई साहब से आज की क्या पोजीशन। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का क्या बाजार रहा, कितनी गाड़ी आई मटर की, कहाँ कहाँ की जी? अब तो लो पकड़ लो जी। राणा जी मंडी में हो गई 714 और 16 और 4 20 गाड़ी होगी राणा जी। अच्छा जी। चार छोटी पिकअप राजस्थान की थी, जयपुर की। जयपुर की जी। हाँ जी। और 16 गाड़ी, 7 गाड़ी रतलाम थी। हाँ जी। 7 गाड़ी पंजाब थी। अच्छा। एक गाड़ी मोहनपुरा और एक गाड़ी जालौन थी। ये मोहनपुरा क्या चीज है जी? ये मोहनपुरा यूपी में पड़ता है जी, ये इलाका है ये। अच्छा। मटर बढ़िया जी इसकी भी? आज पहली गाड़ी आई थी जी। अच्छा जी। ये क्या रेट बिकी जी? ये 250 रुपये किलो बिकी जी। 250 रुपये किलो। और अपना ये जयपुर जी? जयपुर राणा जी जो बढ़िया मटर है वो तो बिक रही है 230 रुपये से लेके 250 तक। 245 रुपये से लेके सीधे 200, खाली 45 रुपये किलो से 50 रुपये किलो था। 45 से 50 रुपये किलो। अच्छा जी। हल्की मटर है इसमें जयपुर, जैसे आप इधर आई कैमरे कीजिए, ये मटर है, ये मटर इस पर पाला पड़ गया मटर जयपुर पे। अच्छा। ये जयपुर है दिखाइए, ये पाले की शिकायत पड़ जाती है इस मटर पे। अच्छा। यानी अंदर से तो दाना ठीक है? हाँ, दाना ठीक है, पर ये पाले में इसमें थोड़ा स्वाद कम होता है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी। इसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, पाड़ा पड़ जाए बर्फ का निशान, उसमें स्वाद कम हो जाता है, दाना भी मर जाता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके कारण है जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसका क्या रेट चल रहा जी? ये 140-150 बिक रही है। अच्छा जी। और अपना पंजाब का जी? पंजाब बिक रही राणा जी 120 रुपये, 130 रुपये। अच्छा जी। 25 रुपये किलो। अच्छा जी। और अपना ये मतलब 20 रुपये से 30 रुपये के बीच में सारी मटर बिक रही है, क्या पंजाब रतलाम क्या, सारी की सारी 20 रुपये से 30 रुपये के अंदर, मतलब सब की सब। बस सिर्फ जयपुर है एक जो बढ़िया वाली है वो तेज है, 45 और 50 रुपये। अच्छा जी। ये भी जयपुर है देखो जी। हाँ जी। जयपुर है जी 140। और पैदा किसान ने कितना जोर लगा के करी होगी, और पाला हर साल जी, इसमें हर साल पाला पड़ जाता है इस बार साल। अच्छा जी। और राजस्थान है ना जी, पाला ज्यादा पड़ता है। और आज फ्रांस बीन का क्या रहा जी? फ्रांस बीन बिक रहा जी 45 रुपये से 55 रुपये तक, 45 से 55 रुपये किलो। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, फिर आज बिक जाएगी जी? अब ये आज ही बिक जाएगी, सब बिक जाएगी। संडे का दिन है, ग्राहक कम नहीं लग रहा आज मुझे, रौनक मेला कम है जी आज। ये शमशान घाट है, यहाँ मुर्दा फुके जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ मुर्दा फुके जाता राणा जी। अच्छा जी। अब कम ज्यादा हो जाएगा ऊपर नीचे रेट? और सब बिक जाता राणा जी, मंडी में रुकता कुछ नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सब बिक जाता है। अच्छा जी। अच्छा जी। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के। भाई साहब अपना मोबाइल नंबर बोल दो जी। मेरा भाई साहब 99-53-32-73-11। धीरे थोड़ा। 9953-32-73-11। अच्छा जी। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। मैं जो रामू जी हैं वो जो मेरा छोटा लड़का है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जो रामू वो मेरा लड़का है। हाँ जी। हाँ जी। तो वो बताएंगे जी गोभी का और इसका गाजर का रेट। अच्छा जी। अच्छा, धन्यवाद जी। दोस्तों बात कर लेते हैं रामू भाई से, जिनके पास है चप्पन टिंडा और ये अपना गाजर बेचते हैं, गोभी भी बेचते हैं। हाँ जी रामू जी, आज ये चप्पन टिंडा कहाँ वाला भाई है? नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये चप्पन टिंडा है जी पानीपत का है। पानीपत का क्या रेट चला जी? ये रात में बिका है 40 से 42-43 तक। अच्छा जी। और अब इस टाइम ये बिक रहा है 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो, थोड़ा हल्का था सौदा इसलिए 30 रुपये किलो बिक रहा। अच्छा जी। और ये गाजर भाई? गाजर बिक रहा है 13 से लेके 15 रुपये किलो तक। 13 से 15 रुपये। राजस्थान की है जी ये? नहीं नहीं, गंगानगर की है ये। गंगानगर? गंगानगर तो राजस्थान में ही है ना ये? नहीं नहीं, गंगानगर इधर पंजाब में। पंजाब बॉर्डर है ना ये गंगानगर? हाँ वहीं के है। अच्छा जी। अच्छा, 13 रुपये से 15 रुपये। 15 रुपये। और आज वो सीडलेस खीरा भाई? सीडलेस खीरा बिका 30-32 रुपये। 30-32 रुपये। और वो अपना सलगम? सलगम बिका आज, सलगम का बाजार डाउन हो गया, आज काफी सलगम है था। अच्छा जी। तो आज 400 से 500, 550 बिका। अच्छा जी। हाँ जी। और वो
फूल गोभी नहीं आई जी? फूल गोभी आई थी 18-20 रुपए किलो बड़ी बिकी। 18-20 रुपए? हाँ। और अच्छा, ब्रोकली आई थी वो बिकी है 20-22। फिर तो बराबरी रेट हो गया ब्रोकली का उसका। हाँ, बराबर हो गया, काफी माल आने लगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, इसलिए आदमी अब आराम से आ रहे हैं। अच्छा जी, लेने वाले भी इतने नहीं आज, और जब से मंडी में कम है, रौनक कम है आज संडे के कारण। अब रात में भी ग्राहक उतने नहीं निकलते हैं। अच्छा जी, जब से ये रात नाइट कर्फ्यू लगा दिया है ना। हाँ जी, केजरीवाल सरकार ने, जब से भाई ग्राहक अब नहीं आते उतना। अच्छा जी, कम हो गए ग्राहक। चलो कोई नहीं, आएंगे दिन में ही आएंगे भी। धन्यवाद दोस्त जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। बात करते हैं भाई साहब की दुकान पर भी, जिनके पास ये शिमला मिर्च आती है और इनके पास ये ड्रम स्टिक आती है, वो तो बिक लिया आज ड्रम स्टिक और अपना आंवला आता है, आंवला भी वो बिक लिया। जान लेते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला इनकी दुकान पे। सर जी नमस्कार जी, आंवला बिक लिया जी जल्दी आज जी? आज कम था माल, पीछे से कम आए थे। अच्छा, क्या रेट गया जी आंवला? ये 30-32 रुपए बिका आंवला जी। हाँ जी। और वो सिंगी ड्रम स्टिक? सिंगी बिकी 70-80 रुपए किलो। 70-80 रुपए? और ये शिमला मिर्च क्या रेट? शिमला बिकी 50 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ जी, आज मंदा है जी इसका थोड़ा? हाँ मंदा, पीछे से उठाव कम हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी, धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए। सर जी और चप्पल टिंडा नहीं आ रहा? टिंडा नहीं आ रहा, गाजर आ रही। गाजर आई थी? हाँ, गाजर। गाजर क्या रेट गया जी? 13-14 रुपए किलो बिकी है। 13-14 वो पन्नी वाली जी? हाँ जी, पन्नी वाली। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर? 97-99-90-90-88। अच्छा जी, धन्यवाद जी। तो आज वीडियो सिर्फ इतनी ही बनी, मुझे काम पड़ गया, कोई जाना पड़ गया कहीं पर, तो कल की वीडियो में सारी चीजें दिखाएंगे।